इस कहानी में सबसे पहले हम देखते हैं कि शौक खाकर हमारा डेडपुल गिरा पड़ा है और उसे देखकर जॉम्बी डेडपुल कह रहा है, अगर मेरे पास हाथ या पाव होते तो जरूर मैं इनकी मदद करता, लेकिन मुझे उन इडियट्स की जरूरत है जो मेरे क्यूमैन मिनियंस है, लेकिन वो है कहाँ पर? तब उसकी आवाज़ उसे कहती है, तुम उनके गॉड हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जॉम्बी डेडपुल कहता है, मेरी टांग खींचना बंद करो क्योंकि मैं खुद से खाना भी नहीं ढूंढ सकता खुद के लिए। तभी इस सब के बीच में साबू और कजार एक जगह जा रहे थे, जहाँ पर कजार कहता है, जल्दी करो साबू, मेरे पास एक प्लान तो है, उसके लिए हमें बहुत फास्ट एक्ट करना होगा। मैं इन स्ट्रेंजर्स को सेवेज लैंड का असली रूप दिखाना चाहता हूँ। तब बेटे का GPS लोकेटर यानी उसकी वॉच छीनने के लिए एक हाइड्रा एजेंट आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे पीछे कर देती है। जिस पर उनका लीडर कहता है, हमारा इंटरेस्ट तुम्हारी एक्सरसाइज में नहीं है बल्कि तुम्हारे मिशन पर है और तुम्हारे इस भाड़े के दोस्त में। जिस पर वो कहती है, वो मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन हाइड्रा एजेंट कहता है, शायद नहीं, लेकिन तुम हमारे कॉम्पिटिशन टीम के साथ काम करती हो। हमने तुम्हारा बायोवेपन वाला ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया था, तो सिर्फ हमें वही चाहिए और तुम हमें बताओगी वो कहाँ पर है। लेकिन तभी डेडपूल उसे इंटरप्ट करता है और उसे शॉक देकर वो हाइड्रा एजेंट शांत करने की कोशिश तो करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। तब डेडपूल उसके मेन पार्ट पर किक करते हुए उसे कहता है, मुझे गाली देना बंद करो, और खुद ही उसे गाली देता है। और आगे वो कहता है, मेरा मेटल जॉक तुम्हें बहुत दर्द देगा। तब वो आवाज़ डेडपूल से कहती है, उसने ये महसूस किया होगा। तब वो हाइड्रा एजेंट दर से कराने लगता है, जिस पर वो आवाज़ फिर से कहती है, स्पेशली हमने उससे कहा था कि ऐसा मत करो। जिस पर डेडपूल उसे जवाब देता है, उसका कराना तो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी भिनभिना रही है। और वो हाइड्रा एजेंट्स को मारते हुए कहता है, और अब धुलाई का टाइम है। जिस पर वो आवाज़ उससे कहती है, हमें हमारा कैचअप फ्रेज बदलना होगा। तब डेडपूल उनको मारते हुए फिर से कहता है, ये कैसा रहेगा, वेड इन एक्शन। तब वो आवाज़ कहती है, ये कुछ सुनने लायक है। तब हाइड्रा एजेंट्स का लीडर कहता है, स्टन गन्स छोड़ दो और उसे ब्लास्ट करो। और तब सब लोग डेडपूल के ऊपर गोलियां चलाते हुए उसे मार देते हैं। इन सब के बाद वो हाइड्रा लीडर बढ़ता है डॉक्टर बेटी की तरफ और कहता है, हम कहाँ थे? हाँ, याद आया, वो बायोवेपन, मुझे वो चाहिए। जिस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें वो बायोवेपन में नहीं देने वाली और तुम्हें वो मिलने भी नहीं वाला। तुम्हें हजारों साल लग जाएंगे उसे ढूंढने में, क्योंकि सेवेज लैंड फैला है थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स में, जहाँ पर जंगल, माउंटेंस, केव, रिवर और भी बहुत कुछ है। तो तुम या तो उसे भूल जाओ या फिर हजारों सालों तक ढूंढते रहो। लेकिन इसी बीच जॉम्बी डेडपूल खुद उसे पुकार कर ये बताता है कि वो वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, और उसे पकड़ कर वो कहता है, देखो हमें क्या मिला। इसी दौरान केवमैंस को उनका लीडर कह रहा था, हमारा धार्मिक हेड चोरी हो चुका है, हमें आगे बढ़कर उसे वापस लाना होगा। जहाँ पर एक आदमी उसे समझाता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो लीडर नहीं मानता और सबको वॉर के लिए तैयार रहने को कहता है। इसी बीच कजार और साबू फ्रेश किल मास लेकर भाग रहे थे, जहाँ पर कजार साबू से कहता है, जल्दी करो साबू, इस फ्रेश किल की गंध उस तक पहुँच जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है, और यही प्लान है। अगर मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे कह दूंगा। और तब हम देखते हैं टीरेक्स को, जिसे देखकर कजार कहता है, ये देखो, उसने वो सेंट पकड़ ली और वो हमारे पीछे आ रहा है, भागो। और इन सभी के बीच एम स्पेस स्टेशन पर सब कमांडर से एक आदमी कहता है, वो रिपोर्ट करने में ओवरड्यू कर रही है। जिस पर सब कमांडर कहता है, शायद वो किसी मुसीबत में है, पेशेंस रखो। जिस पर वो आदमी कहता है, मुझे नहीं लगता कि विल्सन पर भरोसा करना सही बात होगी। तब सब कमांडर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा ही नहीं है, और हमेशा ये बात याद रखना कि हमेशा प्रोमिसियस रहना, और इस बात को हमेशा याद रखना। वही दूसरी तरफ जंगल में जॉम्बी हेड को अपने हाथ में लेकर वो लीडर उससे कहता है, तो चलो मेरे लीडर वायरस फ्रेंड, अब तुम्हें वेपनाइज करने का वक्त आ गया है, तो वापस हाइड्रा लैब में चलते हैं। जिस पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पुराने तरीके से इन्फेक्टेड करूँ, तुम्हें काट कर, तो कैसा होगा? तभी एक हाइड्रा एजेंट आकर लीडर से कहता है, कमांडर, हमारे पास एक इनकमिंग इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। और वो पॉइंट करता है कजार और साबू की तरफ, जो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। जिस पर हाइड्रा लीडर कहता है, मुझे तो सिर्फ
एक आदमी लायन क्लॉथ में और एक ओवरग्रोन किटी नजर आ रही है। तुम इसे इमरजेंसी कहते हो? ट्रूपर से कहो उन्हें शूट करने के लिए। जिस पर वो हाइड्रा एजेंट कहता है, मैं इसके बारे में नहीं बल्कि उस टीरेक्स के बारे में कह रहा था। वो टीरेक्स सबको खा रहा था और दूसरी तरफ क्योमैंस भी उन सब पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखकर हाइड्रा लीडर कहता है, स्क्वाड 1 एंगेज करो डायनासोर को और स्क्वाड 2 एक पैरामीटर सेट करो इन अटैकर्स को रोकने के लिए। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम उस चीज़ को रोक पाओगे जिसको रोकने के लिए हम मिलियन ईयर से ट्राई कर रहे हैं। तब वो गुस्से में उसको कहता है कि चुप रहो, और हाइड्रा एजेंट्स उनके ह्यूमंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। और इसी बीच पेटी भागते हुए जाती है डेडपूल के पास और कहती है, उठो और मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से लेकर चलो वरना तुम्हारा वो हाथ जो अभी अभी तुमने ठीक किया है वो फिर से तोड़ दूंगी। जिस पर डेडपूल कहता है, क्या मैंने कुछ मिस किया? तब वो उसे वहाँ का नज़ारा दिखाते हुए कहती है, तुम सब कुछ मिस कर रहे हो। ये सुनकर डेडपूल एक जगह जाने को निकलता है जहाँ पर वो कहता है, तुम यही रुको डॉक्टर बेटी, मुझे एक काम करना है। जिस पर वो आवाज़ और डॉक्टर बेटी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उनके ह्यूमंस को पीटते हुए वो जवाब देता है, उस हमारे हेड बॉडी को ढूंढने, तुम हमारा मिशन भूल गए क्या? और वो बढ़ता है उस हाइड्रा लीडर की तरफ, लेकिन वो उसे गोलियां मार रहा था जिसे बचाते हुए डेडपूल आगे बढ़ रहा था। तभी ज़ॉम्बी डेडपूल उसके हाथों में बैठा कह रहा था, तो मेरे सारे राइट्स यहाँ पर है, इस तरफ आ जाओ। और तभी क्योमैन उस हाइड्रा लीडर को पीछे से पकड़ता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी हेड उड़ता हुआ जाकर सीधे उन क्योमैंस के लीडर के स्टिक पर जाकर बैठता है। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है, ये अच्छा हुआ मैं फिर से देवता बन गया। लेकिन तभी वो टीरेक्स उस क्योमैन के लीडर को खा लेता है। और इसी बीच डेडपूल एक गन मशीन उठाकर सबको मारते हुए कहता है, अब हम कुकिंग करेंगे गैस के साथ। और उसी बीच नीचे गिरकर ज़ॉम्बी डेडपूल उस डायनासोर को काट लेता है। और डेडपूल उस ज़ॉम्बी डेडपूल को हाथ में लेते हुए वहां से वो रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। डेडपूल सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था ज़ॉम्बी डेडपूल के साथ, और पीछे से डॉक्टर पेटी कहती है, मेरे लिए रुको। जिस पर ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि ट्रेन अब स्टेशन छोड़ चुकी है। और आगे डेडपूल रास्ता क्लियर करते हुए जा रहा था और कह रहा था, मैंने हमारे लिए रास्ता कर दिया है डॉक्टर बेटी। तभी वो उसे उसकी कटाना देते हुए कहती है, मुझे ये मिला। जिस पर डेडपूल कहता है, डॉक्टर बेटी तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरी अमेजोन विशलिस्ट पढ़ी है? और कजार से मिलते हुए वो उसे कहता है, तो कजार मुझे लगता है इस सर्कस के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना पड़ेगा। जिस पर कजार कहता है, अगर तुम्हें मुझे थैंक यू कहना है तो यहाँ से बाहर जाओ, तुम इन्हें यही छोड़ दो, मैं उन्हें यहाँ पर संभालूंगा। जिस पर डेडपूल उससे कहता है, ठीक है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो लिमिटेड कपड़ों के साथ। और जंगल में आगे जाते हुए पेटी डेडपूल से कहती है, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर डेडपूल कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ स्टकी है। और आगे बढ़कर डॉक्टर बेटी कहती है, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्योंकि मैं अब और नहीं भाग सकती। और वो हाँफने लगती है। तभी उसका जीपीएस लोकेटर ऑन हो जाता है, जिस पर डेडपूल उससे पूछता है कि वो क्या है। तब डॉक्टर बेटी उससे कहती है, एम के साइंस टीम के हर मेंबर के पास ऐसी एक वॉच है और ये एक जीपीएस लोकेटर की तरह काम करता है इन केस अगर तुम कहीं खो जाओ। तब ज़ॉम्बी डेडपूल कहता है, गाइस देखो हमें कुछ खाना चाहिए क्योंकि मैंने तब से कुछ नहीं खाया जब से मैंने उस टीरेक्स को काटा है। और ऑर्बिटिंग फैसिलिटी में सब कमांडर कह रहा था, ये स्टूपिड जॉब है रिडिकुलस येलो कॉस्ट्यूम पहनना। तभी एक एजेंट आकर उससे कहता है, सर वो बहुत ज़्यादा ओवरड्यू कर रही है चेक इन करने में, मुझे लगता है हम कहीं ऑब्लिगेशन का शिकार ना हो जाए और हमारे हाथों में बहुत बुरे रिजल्ट ना आ जाए। जिस पर सब कमांडर कहता है, इस ऑर्बिटिंग फैसिलिटी का कमांडर मैं हूँ और ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम मेरे ऑब्लिगेशंस मुझे बताओ। जिस पर वो कहता है, ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल कमांड आपका डिसीजन सुनना चाहेंगे और आपको डिसिसिव एक्शन लेना पड़ेगा, अब ये आप पर है। जिस पर वो सब कमांडर कहता है, मुझे लगा था अगर
हम उस बायोवेपन को कैप्चर ना कर पाए तो हम उसे हाइड्रा के हाथों में भी नहीं लगने देंगे। और वो इनिशिएट करता है प्रोस्टिमेस ऑप्शन और सारे मिसाइल्स ओपन कर देता है और कहता है जीपीएस लोकेटर के हर एक स्क्वायर माइल के अंदर सब कुछ वेपराइज कर दो। यो मी सगळी मला प्रेमाने बंड्या म्हणतात, यो माझा मैत्र मॉन्टी आणि यो शांततेचा पुतळा सूरज उर्फ सूर्ज्या, हे आमचे मास्टर। ठीक आहे, पण आला त्यामुळे आपण पहिल्यापासून सुरू करूया। 1869 मध्ये काय झालं कोण सांगणार आहे? सर मी। उठ उठ, गांधीजी 3 वर्ष झाले, मी पण बसू का? ताम तन ताना तना ताम तन ताना तना दोन मिनिटात आलो, आपापला अभ्यास करत आहोत। हा कुठला अभ्यास ना वे झाला, मी आलो आहे मोबाईल। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, नाहीतर आपल्या मित्रांच्या बरोबर शेअर करा। जर काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्स आहेच भरून टाका आणि हो सबस्क्राईब करा।